एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया, उससे पूछा गया इस्लाम की किस कदर ने तुझे मुतासर किया, उसने कहा सिर्फ एक वाक्य मेरी हिदायत का सबब बन गया। उसने कहा कि क्या वाक्य, कहा एक दिन मजलिस हुजूर की लगी थी, लोगों का हुजूम था, एक शख्स उठ के खड़ा हुआ, हुजूर मेरा बेटा कई दिनों से गुम है, मिल नहीं रहा, आप दुआ कर दे मिल जाए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम कबल इससे के हाथ उठाते, एक शख्स जो बाहर दरवाजे पे खड़ा था उसने कहा हुजूर अभी अभी मैं आया हूँ फलां बाग से गुजर के, मैंने बच्चों के साथ इसके बेटे को खेलता देखा फलां बाग में। बाप ने सुना कि मेरा बेटा फलां बाग में है तो जाहिर उसने फौरन दौड़ लगा दी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे बुलाओ, बुलाया गया, कहा बहुत जल्दी है, जी हुजूर आप जानते हैं कई दिनों से बिछड़ा हूँ, उसकी माँ अलग तड़प रही है, मैं अलग बेचैन हूँ, कई दिन से खाया कुछ नहीं, जब खबर मिली है तो बहुत जल्द बच्चे से मिलना चाहता हूँ, फरमाया जरूर जाओ, मैं रोकता नहीं, रोकने के लिए बुलाया भी नहीं, लेकिन तुम्हें बुलाने का भी एक मकसद था, जी हुजूर इरशाद फरमाइए, फरमा जब बाग किनारे जाओ बच्चों के साथ उस बच्चे को खेलता देखो, तुम्हारे बेटे को जब तुम खेलता पालो तो उसे बेटा बेटा कह के आवाजें ना देने लग जाना, जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना, अर्ज की हुजूर मेरा बेटा है, अगर बेटा कह के पुकारूं तो हर्ज भी क्या है। फरमाया तुम कई दिनों से बिछड़े हो, तुम्हारे लहजे में बला का रस होगा और तुम नहीं जानते, हो सकता है खेलने वालों में कोई यतीम भी खेल रहा हो, और जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे उसका कलेजा तड़प जाएगा, काश आज मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकार। तो कहा यह शौक घर जाके पूरा कर लेना, ये शौक घर जाके पूरा कर लेना, उसके सामने अपने बेटे को भी बेटा कह के नहीं पुकारना, ये इस्लाम का दिया हुआ दीन है। गरीब के सामने अपनी दौलत की नमाइश नहीं करनी, बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार नहीं करना, बल्कि मेरे हुजूर ने यहां तक इरशाद फरमाया अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाए को तकलीफ नहीं देनी, या तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लो और शोरबे की एक प्याली हमसायों के घर भी भेज दो, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर ऐसे जाविये में वो खाना पकाओ कि गरीब के बच्चों तक उसकी खुशबू ना पहुंचे। बच्चे बच्चे हैं, जिद कर बैठे और उन्होंने अपने गरीब बाप से तकाजा कर लिया तो बूढ़ा बाप कैसे आरजू उनकी पूरी करेगा। वो क्या किसी ने कहा था ना, इसी डर से वो बच्चों को दोपहर में सुला देती है, गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। तो कहा हुजूर की नजाकते कलबिया का लिहाज रखना कि यतीम के सामने अपने बेटे से भी प्यार ना करना, उसको बेटा कह के ना पुकारना, कहा यह चीज मेरे इस्लाम लाने का सबब हुआ। मैं अभी दो हफ्ते कबल वहां अरब अमारात में गया तो वहां एक हिंदू लड़का था ज्ञान, तो उसके जो रूममेट थे उन्होंने उनको बयानात के क्लिप सुनवाने शुरू कर दिए, उसका दिल नरम हुआ, तो मैंने जहां जुमा पढ़ाना था तो वहां उसको ले आए, तो वो बाहर बैठ गया मस्जिद से बाहर गुफ्तगू सुनने लगा, तो मैंने जो गुफ्तगू की तो उसमें हुजूर की सीरत का उनवान था, तो मैंने ये वाक्य सुनाया, मैं वाक्य सुना तो वो उठ के अंदर आ गया और उसने कहा मुझे इस्लाम में दाखिल कर लो। तो मैंने कहा कि आज भी हुजूर की सीरत में इतनी चमक है, इतनी रोशनी है, अगर हम किसी ढब से उसको बयान करें ना तो आज भी जो दिलों के अंदर ईमान के तोहम डाल सकती है। तो इकबाल कहता है कि हुजूर की सीरत बयान करो, इसमें तुम्हारी औलाद के सीने में हुजूर का प्यार पैदा होगा।